आपने बिरयानी तो कई बार खाई होगी, लेकिन ये चिकन पुलाव की अनोखी रेसिपी है ना, कभी नहीं खाई होगी। इसका जो टेस्ट आता है ना, कभी नहीं भूलने वाले हो आप। ट्राई जरूर करना, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी का। तो दोस्तों, चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं 2.5 कप बासमती राइस ले रहा हूँ। आप जरूरी नहीं है बासमती राइस ही लेना है, कौन से भी नॉर्मल राइस भी ले सकते हो। तो अभी हमें इसमें पानी डालकर अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ पर मैं पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लिया हूँ। 3 बार हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। एकदम हल्के हाथों से इसे वॉश कर ले, वरना अपने राइस टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आराम से इसे हल्के हाथों से 3 बार हमें वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 बार अपने राइस को वॉश कर लिया है। तो सोक करने के लिए इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ। तो मैं पानी उतना 1 इंच जितना ही पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। देख सकते हो 1 इंच जितना मैंने पानी डाला है। यहाँ पर हमें राइस को 20 से 25 मिनट सोक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर करीबन मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया। इसके अंदर 1 कप जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, 3 कप कश्मीरी चिली पाउडर डालोगे, थोड़ी कम तिक्की होती है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एवरेस्ट का बिरयानी मसाला डाल रहा हूँ, 2 चम्मच जितना मैं बिरयानी मसाला डाल दे रहा हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल देंगे। तो इसमें मैं 1/2 कप जितना दही डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ थोड़ा धनिया डाल देंगे। अभी इन सब चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करने, ताकि जो भी हमने मसाले डाले वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो हल्के हाथों से यहाँ पर मैंने सारे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है, कम से कम 20 मिनट के लिए इसे आराम से रखना ही है, तभी जाके अच्छे से अंदर तक टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने गैस को चालू करके इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। अभी इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैं 4 बड़े टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रहा हूँ। गर्म होते ही इसमें 2 तेज पत्ते डालेंगे, 4 से 5 लवंग के पीस, 4 से 5 काली मिर्च के पीस, थोड़ा सा दालचीनी डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम डाल रहे 4 से 5 मिर्ची, इसको मैं जबल कर डाल रहा हूँ। तो मिर्ची को अच्छे से सौते कर लेना है हमें 1 मिनट के लिए। अभी इसमें डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च, कस होगी तो डालना, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं 2 कंदे को स्लाइस करके डाल रहा हूँ। तो कांदे को डालते ही इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर अभी हमें गैस को फास्ट कर देना है, कांदे को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। तो 2 से 3 मिनट में देख सकते हो हमारे कांदे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तभी इसमें मैं 2 बड़े कटे हुए टमाटर डाल रहा हूँ। टमाटर डालते ही इसे अच्छे से मिक्स कर ले, ताकि जो कांदे का कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए और कांदा ज़्यादा पके ना, जले ना। तो इसे डालकर हमें कवर करके रख देना है 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट में देख सकते हो हमारे टमाटर भी थोड़े पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, देखो गल चुके हैं थोड़े। अभी इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था ना, उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दे रहा हूँ, और जो मसाला बचा है वो भी हमें डाल दे ले लेना है पूरा। सो डालकर अच्छे से मिक्स कर लें हमें, ताकि जो भी मसाला है वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए। ये टाइम पे याद रखे गैस का फ्लेम थोड़ा फास्ट ही रखे, तभी जाके एकदम अच्छे से आएगा, पकेगा वो जो हमने दही और मसाला डाले ना। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा। देख सकते हो ना, देखने में तो कितना अच्छा दिख रहा है। देख सकते हो मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, चिकन के ऊपर आ चुका है पूरा लेयर। तो यहाँ पर बस हमें एक बार अच्छे से वापस मिक्स कर लेना है। तो बस इसे कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने दे 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हो हमारा चिकन पक चुका है, थोड़ा बहुत 40 से 50% तो पक चुका है। तो इसे वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो चिकन का कलर भी चेंज होने आ चुका है, लाइट पिंक से थोड़ा वाइट हो चुका है। इसे कवर करके वापस हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके। तो दोस्तों, हमें चिकन को 70% तक पकाना है, बाकी राइस में पक जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 70% पक चुका है। तो इसे एक बार वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हो अब मैं चिकन का पीस को तोड़ रहा हूँ तो टूट जा रहा है, तो मतलब 7 से 70% तक आराम से पक चुका है। अभी इसके अंदर हमने सोक किए और राइस किए थे वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने 25 मिनट तक आराम से राइस को सोक किया था। तो इसे अच्छे से डालकर मिक्स कर लेना है हमें, थोड़ा फ्राई कर देना है राइस को मसाले के साथ में। तो यहाँ पर मैं अच्छे से थोड़ा मिक्स कर ले रहा हूँ राइस, इसको हल्के हाथों से मिक्स कर रहे हैं, चावल को हमें तोड़ना नहीं है। अब इसके अंदर हम 3.5 कप जितना पानी डालेंगे। अब 2.5 कप लिया तो इसका डबल नहीं लेना है, थोड़ा कम ही लेना है, क्योंकि हमने राइस को अच्छे से सोक कर लिया था 20 से 25 मिनट तक। तो पानी को डालकर इसे थोड़ा एक बार अच्छे से मिक्स कर ले, और इसके अंदर नमक डाल दे पूरे चावल सबके लिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दे। तो यहाँ पर आपको एक टिक देता हूँ, जो ये पानी है थोड़ा खारा लगना चाहिए, तभी नमक एकदम बराबर से आता है।
तो इसमें ऊपर से फ्रेश कटा हुआ थोड़ा धनिया डाल देंगे। तो इसे कवर करके हमें आराम से मीडियम टू हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाना है। तो 7 से 8 मिनट में देख सकते हो हमारे राइस थोड़े फूल चुके हैं, पर इसमें थोड़ा सा और पानी रहा है अब तक। तो इसे कवर करके वापस से हम 4 से 5 मिनट तक थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अभी तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुका है, देख सकते हो पानी हमारा पूरा टूट चुका है, राइस भी एकदम खिले खिले हो चुके हैं, देख सकते हो राइस भी हमारे पक चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा वेज चिकन पुलाव रेडी है, देखने में कितना अच्छा दिख रहा है ना। इसके ऊपर अभी थोड़ा फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको राइस भी तोड़ के दिखाता हूँ, देख परफेक्ट राइस भी कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेट में थोड़ा डाल देंगे, तो ऊपर से थोड़ा फ्रेश कटा हुआ धनिया डालेंगे। तो आपको मैं चिकन का पीस भी तोड़ के दिखाता हूँ, देख सकते हो एकदम परफेक्ट गल चुका है चिकन का पीस, और चिकन के पूरे अंदर तक टेस्ट आ चुका है इसका। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर एकदम परफेक्ट गल चुका है चिकन का पीस, और चिकन के पूरे अंदर तक टेस्ट आ चुका है इसका। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दें, और जो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर